राम सेतु का निर्माण बड़े बड़े बानर कर रहे थे। एक गिलहरी समुद्र की रेती अपने शरीर में लगाकर और भागी भागी जावे और पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को छटपटा के दौड़ावे। हनुमान जी गौर से देखे, हनुमान जी बोले देखो गिलहरी भागो यहाँ से। गिलहरी बोली क्यों? हनुमान जी बोले तुम्हारा छोटा सा शरीर, बड़े बड़े बंदर अभी कोई पैर रख दे तो मर और जाओ। गिलहरी कुछ नहीं बोली, दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, मानो हनुमान जी को चिढ़ा करके कहने लगी हो कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम भी छोटे हैं, हम भी अपने स्तर से काम भी तो कर रहे हैं। हनुमान जी ने गिलहरी को बहुत समझाया लेकिन गिलहरी नहीं मानी। एक बार हनुमान जी के ही पांव के अंगूठा के छोटे से भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। अब गिलहरी बड़ी चिचियाई, हनुमान जी ने देखा कोई चिचिया रहा है, कौन है? नीचे देखा तो गिलहरी। हनुमान जी ने पैर दूर किया तो डांट करके हनुमान जी ने कहा हमने पहले ही कहा था यहाँ बीच में मत घूमो। अब मान गई, देखो घाव बन गया तुम्हारी पूंछ में, वो तो कुशल है, हमारा पैर के अंगूठा का अंगला भाग रखा, अगर अंगूठा ही रख जाता तो ही तुम्हारा काम हो जाता। गिलहरी रोने लगी, बोली रुक जाओ हम तुम्हारी राम जी से शिकायत करेंगे, बड़े दरबार में तुम्हारी शिकायत करेंगे। हनुमान जी बोले जाओ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई, सरकार आपके रहते हुए हम पर अत्याचार हो गया, क्या हुआ हमारी पूंछ देखो। गिलहरी की भगवान ने पूंछ देखी, बोले ये घाव कैसे हो गया? महाराज ये एक बहुत बड़ा बंदर है आपके यहाँ, उस बंदर की करामात है। राम जी ने गिलहरी को अपनी हाथ में लिया, पूंछ के ऊपर हाथ रखा तो जो उसका दुख था, करुणावान करुणा निधान श्री रघुनाथ जी के हाथ रखते ही उस पूंछ का घाव ठीक हो गया और गिलहरी प्रसन्न हो गई। लोग कहते हैं कि पहले तो गिलहरी के ऊपर कोई निशान नहीं थे, जब राम जी ने अपनी तीन अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराई वही तीन अंगुल के निशान आज भी गिलहरी के ऊपर है। पर हनुमान जी ने गिलहरी से पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे रेत के कण डालने से समुद्र का पुल बनना नहीं है, फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? राम जी बोले बात तो सही है, बताओ गिलहरी। गिलहरी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी हाथ दोनों जोड़कर बोली राम जी हमें पता है कि हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, लेकिन इन बांदरों ने बंदरों ने आपकी इस सेना ने बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिया। राम जी बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, आपके चरण बड़े कोमल हैं, उन चरण कोमल जब आप पत्थरों में पत्थर हैं उबड़ खाबड़ रखोगे कहीं चोट लग जाए आपके चरणों से खून बहने लगे तो हम रेती जाकर के रेती उन पत्थरों की दरार में भरते हैं ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जावे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।